नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो कैसा रह सकता है। और गाइस आज जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड करे थे इंट्रा डे के लिए वो हमने देखा बहुत आउट परफॉर्म करे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे एग्जैक्ट बताया था कि बैंक निफ्टी कितना नीचे गिर सकता है और वहां पे हमें बाइंग करनी है और निफ्टी पे कैसे ट्रेड लेना है, ए टू जेड आउट परफॉर्म हुआ। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइस एक चीज से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मैंने ये देखा कि 1600 पीपल ने इस वीडियो को वॉच करा था बट सिर्फ 190 पीपल ने लाइक करा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा हर दिन, और मैंने अपने क्लाइंट्स को आज एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी है 6 अगस्त के लिए जिसमें बैंक निफ्टी निफ्टी पे वो लोग अच्छा ट्रेड कर सकते। बट गाइस मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूरत नहीं है ऑप्शन कॉल्स की, तभी आप लोग लाइक नहीं कर पाए हैं। अगर वीडियो में 500 लाइक आ जाएंगे इस वीडियो पे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वरना कोई बात नहीं, आप लोगों को जो यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड हो रही है आप उसी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। सो बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रहता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी पे, ये निफ्टी का चार्ट मैंने कल आपके सामने ओपन करा था, मैंने बोला था ये एक रेंज के अंदर चल रहा है निफ्टी। ये देख रहे हैं 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि ये एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये रेंज क्या थी, नीचे से थी 11,130 और ऊपर से थी 11,230, और मैंने कहा था कि ये इवेंचुअली ये ब्रेक होता है तो ये अपने जो इसके गैप्स थे गैप्स को फिल करेगा, बट अगर ये ऊपर की तरफ चले जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारे लेवल्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहां पर हमने देखा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और एक अच्छी खासी हमने देखा एक बाइंग आते हुए देखी, इतनी बात समझ रहे हैं। अब यहां पे बाइंग आ गई है तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आप ये चीज देखिएगा, अब यहां से और कितनी ऊपर जा सकता है। सबसे पहले देखिएगा ये गैप है, ये जिस गैप को फिल करना है अभी निफ्टी को, तो ये लेवल एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो मैंने ये लाइन बना दी है, तो ये लाइन आ रही है अराउंड 11,380, तो 11,380 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां से निफ्टी एक रिवर्स कर सकता है। रिवर्स इन द सेंस एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दोबारा आ सकती है और वो दोबारा एक बार 10,200 की तरफ आ सकता है, 11,200 की तरफ। सो गाइस यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है और रुक वेट कर सस्टेन कर लेता है तो सीधा हम देखेंगे 11,530 का लेवल, ठीक है गाइस। 11,530 का लेवल हम सीधा देखेंगे निफ्टी के अंदर। हम लोग बुलिश है निफ्टी के अंदर, हमारा स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा वो ये गैप का मिड पॉइंट होगा जो कि आ रहा है 11,180 क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस है, और हम लोग वेट करेंगे फॉर एट फर्स्ट टारगेट ऑफ 11,380 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 11,530, ठीक है। बैंक निफ्टी बता देता हूं मैं आप लोगों को, बैंक निफ्टी पे भी मैंने आप लोगों को जो बताया था एग्जैक्ट वो ही हुआ था। यहां पर आप देखिएगा, ये देखिएगा एग्जैक्ट वही हुआ, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी नीचे आएगा और नीचे आएगा तो हम लोग वेट करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा निफ्टी का, ये लेवल, और एग्जैक्ट उस लेवल पे आया, एग्जैक्ट उस लेवल पे मैंने कहा था कि सेलिंग आएगी और सेलिंग के बाद एक अच्छी बाइंग आएगी, और वही हुआ क्योंकि यार रेजिस्टेंस था आप देख सकते हैं अपर राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट, और हम देख रहे हैं कि अपर राइजिंग चैनल पे एक मोमेंटम आ सकता था, तो 21,000 मैंने कहा था कि 650 से 21,550 के अंदर आए तो बाइंग स्टार्ट कर दो, और यहां से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, और क्लोजिंग आ दिया 22,105 पे। तो अब कल अगर ये 22,170 के ऊपर बंद होना शुरू होता है और ट्रेड करना शुरू करता है तो मैं कह सकता हूं कि 22,450 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, और हमें लगता है कि अच्छा खासा ये प्रॉफिट भी देकर जा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अब स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक आता है गाइस हिंडाल्को। हिंडाल्को की अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा है, BTST 163 पे हमने बाय करवा रखा है उन लोगों को। अब रीजन क्या था, लॉजिक क्या था वो ध्यान से समझेगा। सबसे पहली बात मैंने बता दी, अपर राइजिंग चैनल है बट आप ये देख रहे हैं रेड कलर की कैंडल ने चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया था। अब आप लोगों के मन में आएगा कि यार चैनल का ब्रेकडाउन तो दे दिया तो यहाँ तो सेल बनता था,
तो आपने सेल दिया क्यों नहीं? हो सकता था मैं सेल यहाँ दे सकता था, बट मैंने सेल दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, जब मैंने और अच्छे से एनालिसिस करी तो मुझे पता चला है ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। ये देख रहे हैं, एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, तो रेंज का सपोर्ट एग्जैक्ट इस लेवल पे था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसके नीचे एक कैंडल बनाएगा तो मैं सेल के बारे में सोचूंगा, वरना मैं वेट एंड वॉच करूंगा। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जाके दोबारा ट्रेड करना शुरू कर गया। दूसरी बात, ये बॉटम है, ये टॉप है। इसका अगर मैं फिबोनाची लेता हूं तो एग्जैक्ट ये जो लेवल आ रहा है, ये गोल्डन रेशियो के हिसाब से 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, जहां से एक रिवर्सल पॉइंट और एक बाइंग स्टार्ट होती है। इधर से बाइंग स्टार्ट हुई, रेंज के अंदर दोबारा आया, इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट भी दे दिया, हमने अपने क्लाइंट्स को बाय करवा लिया। तो टारगेट और स्टॉप लॉस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हम लोग इंस्टाग्राम पे भी क्विज रखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के क्विज रखते हैं, वहां पर भी आप लोग क्विज जाके कर सकते हैं और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है, और वहां पर भी आप लोगों को बहुत सिखाया जाता है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका फॉलो का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर मैं आता हूं तो वो है वरुण बेवरेजेस VBL, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है और मुझे लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर शेयर की अगर मैं बात बताऊं तो ये ऊपर गया, एक रेंज के अंदर आया, रेंज का ब्रेकआउट दिया, दोबारा नीचे आया, रेंज पे होल्ड करा, एक रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दो कैंडल का ब्रेकआउट दे चुका है और एक रिवर्सल पॉइंट दे चुका है। 700 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है, उसके ऊपर भी क्लोज कर चुका है, तो कल एक बाइंग आ सकती है मेरे हिसाब से, तो 703 रुपए के ऊपर मैं एक बाइंग इसमें बना सकता हूँ। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है? सिंपल एनालिसिस है, दो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम लोगों ने एनालिसिस करी है, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सिंपल, अब ग्रासिम पे आते हैं। ये वाले दो स्टॉक्स में अब आपको जो बताने वाला हूँ उस पर आपको कुछ नॉलेज भी प्रोवाइड होगी, तो वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अभी मैंने आप लोगों को हिंडालको पे जो एग्जांपल दिया था, देखिए वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर रहा है। ये देखिएगा, एक रेंज के अंदर शेयर काम कर रहा था, ये रेंज का वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब ब्रेकडाउन पे भी सेल बनता था बट मैंने सेल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस जाइए, देखिए हर चीज की स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप इतने पोर्शन की स्टडी करोगे और आप यहाँ सेल ले लेते तो आप देखते हैं आज लॉस पे एग्जिट करते हैं। प्रीवियस चार्ट पे जाओ और स्टडी करो तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद दोबारा रीटेस्ट करा, तो ये रेजिस्टेंस पहले था, अब ये सपोर्ट बन गया, अब सपोर्ट बन गया, दोबारा नीचे यहाँ पर आया और एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लिया और ऊपर बाउंस कर गया। तो ये देख पा रहे हैं, ये एनालिसिस होती है। ये इसने क्या बनाया, ये इसने बनाया है पैटर्न जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम, ठीक है? डबल बॉटम टाइप पैटर्न है ये, तो आप इस हिसाब से ट्रेड करोगे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, ठीक है गाइस? अब हम लोग यहाँ पर बाइंग बना के चल सकते हैं इस लेवल के ऊपर, और मुझे लगता है 600 के ऊपर इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइस डाबर। डाबर हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, डाबर भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, ये देखिएगा यहाँ पर आया, और आप ये चीज देखेगा मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्रू में बताता हूं। ये मैंने एक बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स था हमारा एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्यों? क्योंकि जब भी इस बॉक्स को अंदर आता था या आसपास आता था एक सेलिंग आ जाती थी। इस बॉक्स के अंदर आया, एक सेलिंग आ गई, इस बॉक्स के अंदर आया पर एक बाइंग आ गई, बाइंग आने के बाद ऊपर या नीचे आया, तो पहले ये सप्लाई जोन था, अब यहाँ पर डिमांड आ रही है तो ये डिमांड बन गया। तो अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो पता चलता है यहाँ से डिमांड आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, तो यहाँ से हमने देखा कि एक इसने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, और उसने क्या करा, जो प्रीवियस कैंडल थी उसको पूरा इंगल्फ कर लिया और उसके ऊपर जाके क्लोज कर गया। तो यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है कल डाबर के अंदर, तो हम लोग एक बुलिश मोमेंटम इसमें भी देख सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है गाइज, वो है वोल्टास, ठीक है? इस पे कल हमें पहले वॉच करना है, फिर ट्रेड करेंगे किस तरीके से मोमेंटम दिखाता है। सो लास्ट स्टॉक वोल्टास हम चलते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस अगर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कल से ऑप्शन ट्रेड्स भी लाना शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टास मैंने क्यों दिया, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई, एक रेंज के अंदर चल रहा था, रेंज का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा नीचे आया, अब इसी लेवल पे इसने रीटेस्ट करा। अब कल अगर ये 580
583 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है, 15 मिनट की चार्ट के अंदर दो कैंडल क्लोज कर जाती हैं, मतलब 9:45 के तक, 9:15 से लेके 9:45 तक अगर ये 583 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इसमें एक बाइंग बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर ये 600 से 620 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है गाइस, तो वेट एंड वॉच इस पैटर्न को भी हम क्या कहते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, तो ये सिंपल एनालिसिस थी, सारी ट्रेंड लाइन बेसिस पे एनालिसिस थी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि वॉल्यूम अब आप लोगों को समझ में आ रही है, आवाज समझ में आ रही है, क्लियर लग रही है। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज के ट्रेड से कुछ प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। सो गाइस इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो पे। मैं शिवांश भसी, साइनिंग आउट।